इस बीच बात बड़ी खबर की, चयन समिति में दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम तय हो गए हैं। बलबीर संधू होंगे देश के नए चुनाव आयुक्त। जी हाँ, नए चुनाव आयुक्त बलबीर संधू होंगे, गणेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। तो दोनों चुनाव आयुक्तों की अनाउंसमेंट हो गई है, ज्ञानेश कुमार और दूसरा नाम है बलबीर संधू का, जो देश के नए चुनाव आयुक्त चुन लिए गए। हालांकि चुनाव आयुक्तों की इस बैठक के खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी बाहर आए और उन्होंने इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पर ही तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि होना तो वही था जो सरकार को मंजूर था, क्योंकि मुझे मात्र 10 मिनट पहले इस बैठक से 212 नामों की सूची सौंपी गई और मैं उन 10-15 मिनट में उनके बारे में सारी डिटेल्स नहीं खंगाल सकता था। मैं महापंडित तो था नहीं और इस वजह से मेरा किसी भी नाम पर सिलेक्शन या किसी भी नाम पर आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि होना तो वही था जो सरकार को पसंद था, सरकार को मंजूर था, क्योंकि बहुमत तो सरकार ही के पास था। सीजीआई के ना होने पर इस समिति में, इस पर भी अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए चयन समिति में, लेकिन आखिरकार इस तरह से ये दो नाम फाइनल हो गए हैं, बलविंदर संधू देश के नए चुनाव आयुक्त और अगला नाम इस लिस्ट में ज्ञानेश कुमार, वो भी नए चुनाव आयुक्त सेलेक्ट कर लिए गए। तो 212 नामों की सूची में ये दो नाम जो फाइनलाइज हुए हैं, बलविंदर संधू का नाम फाइनल हुआ है और ज्ञानेश कुमार का। इस तरह से अब आखिरकार देश के नए चुनाव आयुक्त चुन लिए गए हैं। ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, ये चिंतन मंथन किया गया और एक केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल थे, विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी इसमें उपस्थित थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे प्रोसेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक तरफा था पूरा मामला, बहुमत ऑलरेडी सरकार के पास था, ऐसे में मेरा किसी नाम के साथ होना ना होना, किसी नाम पर आपत्ति जताना या उसका समर्थन करना, उसका भी कोई तुक नहीं था। और इस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा भी बाहर आकर जाहिर, whether it is humanly possible for me to examine the 212 names to find out the most competent person among them. But the act says that, so it was fate accomplished. But the act says that you should be given a list of five names, five for each. But they did not follow that norm. No, but the issue is, we have been shown. I have been shown six names by that argument that it was scrutinized and selected by the search committee. Also, that six names was handed over to me. That means I got the six names at my disposal 10 minutes before the commencement of the study committee. Only 10 minutes before? Selection committee. So, it is humanly impossible for me. So, I pointed it out and certainly I put forward my dissent very specifically. And the law minister, and who were the other two union secretaries who shortlisted these names of six? Yes. Who were the other two secretaries? I have to find out there. Dada, 6 naam aur kaun kaun the?